पढ़ने के लिए आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको सही ऑप्शन चूज करना है। और आज हम आपको लेकर आए हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन में, जहां पर एक इंटरनेशनल स्टडी सेमिनार आयोजित किया गया है। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों से, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, वहां से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव यहां पर पहुंचे हैं। और बच्चों के अंदर उत्साह है, क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि लंबी कतार यहाँ पर है, और सभी अपनी एक गाइडेंस ले रहे हैं कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, किस कोर्स के लिए जाना चाहिए, किस कंट्री में कैसी पढ़ाई है, पैसे कितने खर्च होंगे। ये तमाम सवाल जब भी आप कहीं पर एडमिशन लेते हैं आपके जहन में ज़रूर आते हैं। बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं। मैम, आप कौन से कॉलेज से आए हैं और क्या कुछ बच्चों को आप बताना चाहेंगे, कैसी स्टडी है, किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं? हेलो, हाय, दिस इज शालू गर्ग। आई एम रिप्रेजेंटिंग सेंट लॉरेंस कॉलेज, एंड वी आर अमंग द टॉप 50 रिसर्च पब्लिक कॉलेजेस इन कैनेडा। सो एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ क्वाइट ईजी, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करना है। आपके जो कंसल्टेंट्स हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं। बेयर मिनिमम वी नीड लाइक 50 एंड अबव ग्रेड्स, एंड वी एक्सेप्ट ओनली एकेडमिक आइल्स, राइट? मेजॉरिटी ऑफ डिप्लोमा इन डिफरेंट फील्ड्स वी हैव, बी इट साइंस, बी इट कंप्यूटर्स, बी इट बिजनेस, जो भी आप फील्ड बोलोगे वी हैव डिप्लोमास फॉर दैट, अंडर ग्रेड लेवल्स पे भी, पोस्ट ग्रेड लेवल्स पे भी। रिसेंटली वी हैव इवन इंट्रोड्यूस अ बैचलर्स इज नर्सिंग, सो दैट इज़ लाइक ऑन्टारियो रीजन में यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। वी आर बेस्ड आउट ऑफ ऑन्टारियो रीजन इन कैनेडा, so you have a lot of work opportunities over there. तो जाहिर सी बात है बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी है आप अलग अलग देशों में जाने की। और ये जो सेमिनार लगा है ये करनाल में ज्वेल्स होटल में लगा है, और आप भी यहाँ पर आकर अपनी जो गाइडेंस है, अपने जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं कि किस तरीके से विदेश जाया जाए और किस तरीके से वहाँ पर पढ़ाई की जाए। सर, आप कहाँ से आए हैं, कुछ बताएं बच्चों के लिए क्या कुछ खास है वहाँ पर और कौन कौन से कोर्सेज हैं वहाँ पर? फॉर श्योर सर, माय नेम इज संदीप कुमार एंड आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्रेजर वैली विच इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। सो इट्स अ पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी जिसको हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कहते हैं, और हमारे चार कैंपसेस कनाडा में है, ओनली इन ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस। द बेस्ट पार्ट इज दैट एक कैंपस हमारा चंडीगढ़ में भी है, विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस, टोटली डेडिकेटेड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। क्योंकि होता क्या है, जो स्टूडेंट्स अपनी फर्दर स्टडीज़ कनाडा में करना चाहते हैं आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ देयर ग्रेड 12th इन इंडिया और देयर होम कंट्रीज़, तो उनको कई तरह की दिक्कत आती है। एक सबसे पहले जब वो कनाडा जाएंगे सम हाउ दे विल फील लाइक कल्चर शॉक, क्योंकि एक जगह बिल्कुल नहीं है, किसी को जानते नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो कनेडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, दे फॉलो नॉर्थ अमेरिकन स्टडी सिस्टम, दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड इन इंडिया। क्योंकि जो बच्चा 12 साल यहाँ पे पढ़ा है, वी आर यूज्ड टू रोड लर्निंग, कि आप स्कूल कॉलेज ना भी जाओ, एक रात बैठ के पढ़ो, अगले दिन एग्जाम दो या पास हो गया फेल। बट कनाडा में ऐसा नहीं है, सो देयर स्टडी स्ट्रक्चर इज इंटायरली डिफरेंट, तो वो बच्चे को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। तीसरी चीज़ सर्वाइवल की, क्योंकि इंडिया में बच्चा रहता है, सारा कुछ घर वाले प्रोवाइड करते हैं, एकदम से बाहर चला जाएगा, सो सम हाउ इट विल बी यू नो वेरी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सर्वाइव इन कैनेडा। सो इंडियन कैंपस वहाँ पे उनको काम में आता है, क्योंकि इंडियन कैंपस में क्या रहेगा, सबसे पहले वी आर प्रोवाइडिंग बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स ओनली। बच्चा एक साल यहाँ पे पढ़ ले, बच्चे भी 3 साल कैनेडा में पढ़ ले, या 2 साल यहाँ पे, 2 कैनेडा या 3 यहाँ पे कैनेडा, वो बच्चे की चॉइस है। बेस्ट पार्ट क्या रहता है, जो बच्चे डायरेक्टली फ्रेजर वैली कनाडा में पढ़ने जाना चाहते हैं, सो एक साल की इनको जो फीस जो है दैट इज़ अराउंड 13 लाख अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूँ। सेम प्रोग्राम की फीस इंडियन कैंपस में 6.5 लाख रुपए रहती है, सो यू कैन हैव द आइडिया कि कितना बच्चा अपनी ट्यूशन फीस सेव कर सकता है। स्टडी करिकुलम सेम रहेगा, सारा कुछ जान लेगा, आफ्टर दैट लेटर ऑन दे कैन कन्वर्ट इन कैनेडा, ये इसका एडवांटेज रहेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं बच्चों के पास, और आप देख सकते हैं कि बच्चे इन तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं ताकि उन्हें परेशानी ना आए जब वो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे साथ जसमीत भाटिया जी हैं जो डायरेक्टर हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर, हर बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप बच्चों के लिए लेकर आते हैं, बहुत सारे वीज़ा लैंडमार्क इमिग्रेशन लगवा चुका है, कुछ बताएं आने वाले समय में और क्या अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए? सो देखो, इस टाइम पे जो मई इनटेक था हमारा बहुत ही सक्सेसफुल गया, तो अराउंड 800 वीज़ाज हमने लिए हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएसए, जर्मनी में। सो इस टाइम पे जो कंट्रीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं कहूँगा इस टाइम हर कंट्री में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और हर कंट्री में हमारा टैलेंट
जाके वहाँ पे सेटल हो रहा है, काम कर रहा है. सो जो आज फेयर करा जा रहा है, उसका मोटिव ये है कि बच्चों को एक सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके. हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि बच्चे को वहाँ वीज़ा पर भेज दिया. इट इज़ अ करियर काउंसलिंग कि बच्चा वहाँ जाएगा, पढ़ाई करेगा, फिर वो सेटल होगा. क्योंकि पढ़ाई से पहले बहुत सारे सवाल दिमाग के अंदर आते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. बच्चों के दिमाग में यही होता है कि हम ईजी वे आउट ढूंढें कि पढ़ाई ना करनी पड़े, पर ईजी वे आउट कोई नहीं है. हर कंट्री का एक पैटर्न है. अगर कनाडा जाना है तो 16 महीने पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया जाना तो 3 साल की बैचलर करनी पड़ेगी, यूके जाना है अंडर ग्रेजुएट बच्चे ने बैचलर करनी पड़ेगी, यूएसए जाना है 2 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपने आगे वर्क परमिट लेना है. तो बच्चों तक ये चीज़ें नहीं पहुँचाई जाती. बच्चों को ये बताया जाता है कि आपने वहाँ पहुँचना है सिर्फ. सो पहुँचना हमारा पर्पज़ नहीं है. अगर हमारा पर्पज़ है स्टडी सेटल, स्टडी टू सेटल, है ना. स्टडी करेंगे तब भी सेटल होंगे, डायरेक्ट सेटलमेंट नहीं है. तो बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर अगर नहीं पहुँच पाते तो उनके पास एक और ऑप्शन है, सोमवार को JW मैरियट चंडीगढ़ के अंदर, वहाँ पर भी इसी तरीके का जो सेमिनार है वो आयोजित किया जाएगा. सर आप कहाँ से आए हैं, कुछ बताएं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में और बच्चों को वहाँ पर जाने का क्या फ़ायदा मिलेगा. सो मैं संजीव कुमार ATMC फेडरेशन और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करता हूँ. तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स बिजनेस और IT प्रोग्राम्स पढ़ने के लिए आ सकते हैं. तो जैसे कि हम IT के बारे में जानते हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, पर्टिकुलरली जब से ChatGPT आया तो एक अलग ही हीट पैदा हो चुकी है मार्केट में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट IT. तो यही सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम वहाँ पे आकर इन स्टूडेंट्स को बढ़ा रहे हैं. तो यहाँ आप ये देख सकते हैं दिस इज़ वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम मास्टर्स करा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग उन्हें बैचलर स्टडीज़ करा रहे हैं जिसमें ये साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं. सो हर एक चीज़ वो है जो आने वाले टाइम की डिमांड है. तो हम स्टूडेंट्स को सिर्फ आज के लिए नहीं, 2 साल बाद 3 साल बाद जब वो स्टडी पूरी कर चुके होंगे उस वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं. जी बिल्कुल. और बच्चे लगातार एक क्रेज़ के अंदर हैं कि हमें पढ़ने के लिए बाहर जाना है. और अगर आप जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए बाहर, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे UK, चाहे कनाडा, चाहे USA, तो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, लैंडमार्क इमिग्रेशन, जो करनाल में DAV PG कॉलेज वाली सड़क है महिला आश्रम के सामने, वहाँ पर जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं. हमारे साथ दुहन जी हैं जो लैंडमार्क इमिग्रेशन की करनाल ब्रांच को संभालते हैं, उनसे हम एक बार बात करेंगे. सर कुछ बताएं किस तरीके से आज ये सेमिनार आयोजित किया है, कहाँ कहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और आने वाले समय में बच्चों के लिए और क्या कुछ सुविधाएं आप लेकर आ रहे हैं. जी देखिए, लैंडमार्क इमिग्रेशन का जो ऑफिस है करनाल में ही, जो महिला आश्रम के सामने DAV कॉलेज रोड पर है, ठीक है. और आज का जो सेमिनार है इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो यहाँ पे आए हुए हैं. बच्चे यहाँ पे आके काफ़ी, आप उन्हें आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी बच्चे आए हुए हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे अपने बारे में, उनके जो कोर्सेज के ऑप्शंस क्या हैं और मतलब कोई भी उनको जो भी क्वेरीज हैं, अपनी क्वेरीज डायरेक्ट जो यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हीं से वो ले रहे हैं सर. बाकी फैसिलिटी ये है कि क्योंकि ऑलमोस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ है करीब करीब 150-200 यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ डायरेक्ट हैं, तो बच्चे जो अगर आपने अपना किसी भी टाइप का वीज़ा सपोज करते हैं कि आपने अपना स्टडी वीज़ा लगवाना है तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ डायरेक्ट टाइप में हैं, हम डायरेक्ट उनको जो है वीज़ा प्रोसेस करते हैं. और किसी भी जो एक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गाइडेंस बच्चों को सही तरीके से मिले, तो जो लैंडमार्क इमिग्रेशन है 100% ट्रू गाइडेंस के लिए जाना जाता है. बिल्कुल. और ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि मार्केट में हम कई बार देखते हैं कि बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, कबूतरबाजी हो रही है और ऐसे में बच्चे फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं. तो घबराना नहीं है, थोड़ी सी सावधानी आपको भी बरतनी है. और लैंडमार्क इमिग्रेशन जिनकी तरफ से ये इंटरनेशनल स्टडी सेमिनार लगाया गया है करनाल के ज्वेल्स होटल में, जहां पर भारी संख्या में बच्चे पहुंचे हैं और अपनी जो करियर काउंसलिंग है उसके बारे में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं. लैंडमार्क इमिग्रेशन की तरफ से आज स्टडी सेमिनार जो है ऑर्गेनाइज किया गया होटल ज्वेल्स में. और देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर बहुत से जो है अलग US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के जो यूनिवर्सिटी है उनके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर पहुँचे. और आप देख पा रहे हैं जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी यहाँ पर डायरेक्ट जो उनसे गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ड्रीम्स होता है पेरेंट्स का बच्चों का बाहर जाने का. लेकिन साथ ही साथ जब आपको गाइडेंस मिले, काउंसलिंग लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो जब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स पहुँच रहे हैं तो वो आपको अच्छे से चीज़ें समझा सकते हैं. बहुत से स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं. कुछ स्टूडेंट्स से बातचीत करते हैं
कि उनको एक्सपीरियंस बेसिकली कैसा मिल रहा है, क्या कुछ फीडबैक है, अच्छा लग रहा है, कुछ गाइडेंस मिली है, कुछ फायदा जो है उन्हें होने वाला है या नहीं। हाय, क्या नाम है आपका? माय नेम इज माफी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के सेमिनार के बारे में? हाँ, तो आज हम यहाँ पे लैंडमार्क इमिग्रेशन के सेमिनार अटेंड करने आई हैं और ये सेमिनार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा है। जैसा कि मैं अपने फ्यूचर में कनाडा के लिए अप्लाई करने वाली हूँ, तो कनाडा की पूरी प्रोसेस के बारे में इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी दी है। तो और जैसा कि मैं पहले भी बहुत जगह अप्लाई कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ का रिजल्ट मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा है। एट द लास्ट आई वॉन्ट टू से दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी। तो लग रहा है कनाडा जाने का सपना पूरा होने वाला है। हाँ जी, लग रहा है। तो एक कदम जो है आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है कि वो कनाडा जाना चाहती हैं और यहाँ पर पूरी कह रही है मुझे गाइडेंस मिल चुकी है वहाँ जाकर रहना, यूनिवर्सिटी है, रहने का किस तरीके से रहता है। तो बहुत से आप देख पा रहे हैं पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबको अच्छे से समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जब आप अपनी कंट्री छोड़कर जा रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं। हाय, क्या नाम है आपका? हेलो, माय नेम इज हिना। हिना, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं और आज के सेमिनार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आज यहाँ लैंडमार्क इमिग्रेशन सेमिनार में आई हूँ इन होटल ज्वेल्स। मैं बहुत लक्की हूँ यहाँ पे आई। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी अबाउट माय कोर्सेज, अबाउट माय यूनिवर्सिटीज़, जो मेरे यहाँ सारे क्लेरिफाई हो चुके हैं और मेरे को बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है यहाँ से। एंड जो ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की है अबाउट माई फ्यूचर, हाउ टू सेलेक्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। आई थैंक हिम अ लॉट एंड आई थैंक टू लैंडमार्क इमिग्रेशन जो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। थैंक यू। तो एक थैंक्स ज़रूर कह रहे हैं कि हम वहाँ जाना चाहते हैं और यहाँ पर एक अच्छे तरीके से गाइडेंस जो है मिल रही है। मैं देख पा रही हूँ पूरा अच्छे से जो है सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स की अगर मैं बातचीत करूँ या पेरेंट्स की बात करूँ, क्योंकि पेरेंट्स का भी मैंने जैसे बोला कि सपना जो है साथ में ही जुड़ा रहता है। काफ़ी स्टूडेंट्स देख पा रही हूँ, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। हाय, क्या नाम है आपका? जसवीर। माय नेम इज जसवीर। जसवीर, आप कहाँ जाना चाहते हैं और आज की अगर इसमें सेमिनार की बात करूँ तो कैसा आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर आकर मिला? आज हमारे यहाँ लैंडमार्क इमिग्रेशन ने सेमिनार रखा हुआ था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे US जाना था और मुझे बहुत डाउट है यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं यहाँ पर आया, मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटी काउंसलर्स ने यूनिवर्सिटी के बारे में गाइड किया कि जहाँ पे बेस्ट करियर ऑप्शन हैं, बेस्ट स्टडी ऑप्शन हैं, कि कहाँ पर आपको स्टडी में फ़ायदा होगा, कहाँ पर आपके फ्यूचर सक्सेस होगा, कि आप सक्सेस होगी फ्यूचर में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर पार्टिसिपेट करके और मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर लैंडमार्क इमिग्रेशन। तो डाउट्स क्लियर होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि आप ये तो सोच लेते हो कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है, लेकिन कंट्री में जाके कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है और कौन सा कोर्स चूज़ करना है वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अच्छे से एक अच्छा सा टाइम देकर कि आप समझ पाएँ चीज़ों को बेहतर तरीके से, क्योंकि आपके फ्यूचर का वो सवाल है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ लोगों का एक कहते हैं जैसे मैंने बोला कि जो फर्स्ट स्टेप है पहुँच चुके हैं कि कौन सी कंट्री तक जाना है। जैसे मैंने बोला कि कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं एक भी देख पा रही हूँ कनाडा यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पर सर पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है और क्या कुछ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी देख पा रही हूँ ऑलरेडी काउंसलिंग हो रही है, गाइडेंस देते हो। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, यहाँ पहुँचे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पर आए हैं? ओके, सो मैम, मेरा नाम सौरभ है और मैं यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट से हूँ। ये यूनिवर्सिटी हमारी डाउनटाउन वैंकूवर में है और हमारे पास हर बच्चे के लिए प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ क्या कि हमारे पास एक साल के अंदर 4 इंटेक्स हैं। सो 4 इंटेक्स हैं और हर एक इंटेक में 2-2 महीने का गैप है, हम लोग इसको बोलते हैं रोलिंग इंटेक्स। तो जो बच्चा आज एडमिशन लेने आया, सपोज सितंबर इंटेक जैसे हमारा चल रहा है, अगर वो किसी भी कारणवश वो नहीं जा पाता इंटेक के अंदर, तो वो जनवरी इंटेक में जा सकता है। सो ये हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है और हम लोग कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं चार्ज कर रहे भी एज ऑफ नाउ। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे यहाँ पर एडमिशन लेने आना है, चाहे वो आर्ट्स से हों, कॉमर्स से हों, नॉन मेडिकल से हों, मेडिकल बैकग्राउंड से हों, या बैचलर्स में उन्होंने कुछ भी कर रखा है, राइट, तो वो सब बच्चे एडमिशन लेने हमारे यहाँ पर आ सकते हैं जी। सो आप लोगों को ये भी एक कन्फ्यूजन रहती है कि इनटेक्स की प्रॉब्लम रहती है कि इनटेक्स कब कब रहेगा? उन्होंने बताया कि 4 इनटेक्स रहेंगे कनाडा के, और जैसे बोला कि आर्ट्स का स्टूडेंट है या कॉमर्स का स्टूडेंट है, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो उसे अच्छे से समझाना वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और साथ ही साथ ये भी बता देना चाहूँगी, अभी जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं 24th को जो है JW मैरिट चंडीगढ़ में भी ऐसे सेमिनार ऑर्गेनाइज होने वाले, तो वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं वो जा सकते हैं। तो बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ भी डाउट आ रहा है तो हमारे साथ यहाँ पर लैंडमार्क इमिग्रेशन से सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स से हमने बातचीत की, वो काफ़ी खुश हैं कि उन्हें काफ़ी अच्छा जो है चीज़ें सीखने को मिल रही है कि फ्यूचर हमें वहाँ पर जाकर देंगे, चाहे कोर्स की बात करूँ। तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के सेमिनार के बारे में? मैम, आज होटल ज्वेल्स में लैंडमार्क इमिग्रेशन ने इंटरनेशनल सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं हम, जिसमें कि हमारी करीब 200+ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट टाई-अप्स रहते हैं, जिसमें से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आज आई हैं जो कि कनाडा, USA और ऑस्ट्रेलिया से मिली काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई हैं। इसमें आज बच्चे यहाँ पे आए हैं इन यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बात करने के लिए, अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ और डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं।
डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने का बेनिफिट ये रहता है कि बच्चे को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स क्या है और उनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहते हैं, तो काफ़ी बच्चे काफ़ी खुश हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने के लिए। तो मैं करनाल वालों को यही बोलूँगा कि अगर आपको स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड, टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, पीआर से रिलेटेड या आईएलटीएस और पीटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो लैंडमार्क इमिग्रेशन का जो अपना ऑफिस है वो डीएवी कॉलेज रोड, जो डीएवी पीजी कॉलेज है उस रोड पे है, महिला आश्रम के सामने। तो आप भी आके अपनी जो है एक जेन्युइन काउंसलिंग करवा सकते हैं। सर, और आज का जो सेमिनार है कुछ स्टूडेंट नहीं भी पहुँच पाए हैं, उसके अलावा नेक्स्ट डे कब रहने वाला है, कहाँ पर रहने वाले, वो भी बता दीजिए कि जो रह गए वहाँ भी पहुँच सकते हैं। वैसे तो करनाल वाले तो अपने जो ब्रांच है यहाँ पे, तो यहाँ भी आ सकते हैं, जो मैंने आपका एड्रेस पहले बताया था। बाकी मंडे को हमारा जेडब्ल्यू मैरियट चंडीगढ़ में भी सेमिनार होने वाला है, सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक, और इसमें भी करीब 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ से आएंगी। वहाँ पे पहुँचकर भी आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ नहीं आ सकते तो करनाल में तो अपनी ब्रांच है ही, और वहाँ पे भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मैम। सो आप लोगों को 200 जो प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे डायरेक्ट जो है टाई अप है लैंडमार्क इमिग्रेशन का। यहाँ पर मैं देख भी पा रही हूँ काफ़ी, जैसे हमने भी बात की, जो कनाडा के यूनिवर्सिटी से यहाँ पर सर पहुँचे, जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन आप सर्च करते हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन जब आपको डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंटेटिव मिलता है, एक इंसान मिलता है, तो आप अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर पाते हो। वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सभी स्टूडेंट्स के डाउट जो है यहाँ पर क्लियर होते दिख रहे हैं। तो आप लोगों का भी अगर ड्रीम है बाहर जाने का, हालांकि करनाल की तरफ से यहाँ पर हो चुके, लेकिन फिर भी अगर आप रह गए हैं मंडे में, मंडे को जो है जेडब्ल्यू मैरिट सुबह 10 से शाम 5 बजे तक है चंडीगढ़ में रहने वाले। फिलहाल जो है अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको, टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है या फिर स्टडी वीज़ा पर जाना है, तो आप लोग लैंडमार्क इमिग्रेशन पर पहुंच सकते हैं, डीएवी पीजी कॉलेज के नज़दीक रोड पर और महिला आश्रम के बिल्कुल सामने, और आपके सपने जो है बेसिकली यहाँ पर पूरे किए जाने वाले। स्टूडेंट देख पा रहे हैं, पेरेंट्स देख पा रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, कोई यूएस जा रहा है, कोई कैनेडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, और जितनी भी कंट्रीज में कहीं भी जाना है, आपका सपना लैंडमार्क इमिग्रेशन जो है ज़रूर पूरा करेगा, आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। सो आईएलटीएस एंड पीटी ट्रेनर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया जाता है। शालू मैम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है आईएलटीएस से, मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके की ट्रेनिंग रहती है? आईएलटीएस जो है बेसिक जो रिक्वायरमेंट रहती है ना बच्चे के लिए, गेट वे है मैं कह सकती हूँ, और आईएलटीएस की हमारे जो तैयारी करवाई जाती है बच्चे को, बहुत स्टेप बाय स्टेप करवाई जाती है। लाइक उसको पहले बिगनिंग से स्टार्ट करवाते हुए बुक से हम पहले अवेयर करवाते हैं क्वेश्चन से, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन से, उसके बाद हम उनको इंटरमीडिएट लेवल पर लेके चलते हैं जहाँ पर उसको बताया जाता है कि रियल एग्ज़ाम कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, 40 क्वेश्चंस का बंच कैसे उठाना है, ईच एंड एवरीथिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए हम उनको प्रिपेयर करवाते हैं। और वंस इन अ वीक उनका मॉक टेस्ट लिया जाता है जिसमें बच्चा अपना ग्राफ खुद उठता हुआ देखता है। तो आईएलटीएस करना कोई मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन राइट वे में करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और राइट गाइडेंस के थ्रू। मुझे लगता है जितने व्यूअर्स देख रहे होंगे, मैम ने बोला कि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, जैसे इतनी इजीली मैम ने बताया, मुझे लगता है करना भी वैसे ही होगा, पर मैम के पास आइए वो आपको अच्छे से बता देंगे। पीटी के ट्रेनर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं संदीप सर, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पीटी किस तरीके से रहती है, उसकी प्रिपरेशन कैसे रहती है? पीटी जो है जैसे मैम ने अभी बताया आईएलटीएस के बारे में, तो पीटी जो है उससे थोड़ा आसान रहती है क्योंकि इसमें जो इवैल्यूएशन होता है वो कंप्यूटर के थ्रू होता है, और इसमें जो है क्या होता है कि बच्चों को ना पहले थोड़ा सा मैनुअली ट्रेन कर दिया जाता है हर टास्क के लिए, और जैसे ही वो टास्क में हमें लगता है कि थोड़ा इंप्रूव नज़र आ रहा है, फिर हम उसको बच्चे को लैब में टेस्ट कर लेते हैं, और जब लैब में टेस्ट होते हैं तो उसको एश्योरेंस हो जाती है बच्चे को कि हाँ मेरा स्कोर उठ सकता है इसमें, तो फिर हम उसको स्किल वाइज पे हम लेवल 2 में लेके जाते हैं, और थर्ड जो लेवल होता है हमारा उसको हम मॉक टेस्ट में लेके चलते हैं। तो इस तरह से बच्चा काफ़ी अच्छा स्कोर क्रिएट करता है, तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड जो है बच्चा तैयार हो जाता है।